ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसानों से पहले पृथ्वी पर विशालकाय जानवर डायनासोर रहते थे, पर क्या आपको पता है कि आज भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे पुराने जानवर हैं जो हजारों लाखों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पुराने दुर्लभ जीवों के बारे में। नंबर 5, बाबीरूसा। बाबीरूसा हमें आमतौर पर दिखने वाले सूअर जैसे ही लगते हैं, पर जो चीज इन्हें अलग बनाती है वो है इसकी हाथी जैसे बड़े दांत। नर बाबीरूसा के दांत बड़े और ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनके निचले दांत भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो कि इनके रूप को और खूंखार बना देते हैं। इनका अस्तित्व इतना पुराना है कि इनकी पेंटिंग इंडोनेशिया के केव में पाई गई थी, जो कि करीब 35,000 साल पुरानी है। इन अगर देखना चाहते हैं तो आप इंडोनेशिया के नान्तु फॉरेस्ट और टैंगकोक नेचर रिजर्व में सफारी बुक कर सकते हैं। नंबर 4, एकिडना। एकिडना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाले मोनोट्रीम गण के प्राणी हैं। इनकी और 4 ज्ञात जातियां हैं। पूरे स्तनधारी वर्ग में यह 5 ही हैं जो अंडे देते हैं। इवोल्यूशन की दृष्टि से एकिडना की उत्पत्ति लगभग 2 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व एक प्लेटिपस जैसी पूर्वज जाति से हुई। वह जाति जो जलचर थी, लेकिन एकिडना जातियों में भूमि पर जीवन बसर करने के लिए अनुकूलन विकसित हो गया। नंबर 3, बैक्टीरियन ऊंट। बैक्टीरियन बैक्टीरिनियस, जिसे मंगलाई ऊंट के रूप में भी जाना जाता है, इसकी पीठ पर 2 कूबड़ होते हैं जो कि सिंगल हम्प्ड डोमेट्री ऊंट के विपरीत होते हैं। इसकी 2 मिलियन की आबादी मौजूद है। पालतू बैक्टीरियन ऊंट प्राचीन काल से ही आंतरिक एशिया में पैक जानवरों के रूप में काम करते रहे हैं। बैक्टीरियन ऊंट चाहे पालतू हो या जंगली, जंगली बैक्टीरियन ऊंट में से एक अलग प्रजाति है जो दुनिया की ऊंट की एकमात्र सही मायने में जंगली प्रजाति है। भारतीय सेना में इन ऊंटों का इस्तेमाल लद्दाख में गश्त के लिए किया जाता है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि राजस्थान से लाए गए 1 कूबड़ वाले ऊंट के साथ परीक्षण करने और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद 2 कूबड़ वाला ऊंट काम करने के लिए बेहतर अनुकूल है। वो 170 किलोग्राम 370 पाउंड का भार 17,000 फीट यानी कि 5,200 मीटर से अधिक तक ले जा सकता है, जो कि बहुत अधिक है। अब तक इस्तेमाल होने वाले टट्टुओं से ज्यादा वे पानी के बिना कम से कम 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 2, चैम्बर्ड नॉटलेस। ये ज्यादातर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलते हैं, पर आप इन्हें कैलिफोर्निया की फेमस मॉनिटरी बे एक्वेरियम में पास से देख सकते हैं। ये एलियन जैसे अजीब सा दिखने वाला प्राणी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने स्पीसीज है। इस जीव का फॉसिल 500 मिलियन साल पुराने हैं और इनकी संरचना अब भी वैसी ही है। नंबर 1, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन, जिसे कोमोडो मॉनिटर भी कहते हैं, यह एक विशालकाय छिपकली की प्रजाति है जो कि इंडोनेशिया द्वीप कोमोडो, उरिंका फ्लोरिस, गिली मोंटेगा और गिली दासमी में पाई जाती है। मॉनिटर छिपकली की प्रजाति गिरगिट है और कोमोडो ड्रैगन आकार में छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है। यह लंबाई में 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है व इनका वजन 70 किलो तक हो सकता है। यह बड़े आकार को ही द्वीप की विशालता का कारण माना जाता है, क्योंकि कोई और मांसाहारी जानवर इसके सिवा उस द्वीप पर नहीं रहता। वर्तमान में शोध बताते हैं कि कोमोडो ड्रैगन का बड़ा आकार छिपकली के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, जो कभी इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ज्यादातर वह अन्य मेगाफोनों के साथ मानव के द्वारा मारे गए थे। इनके अवशेष कमोडियन से बहुत मिलते जुलते हैं। यह 8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। इनका आकार फ्लोरस द्वीप पर 90,000 सालों से एक जैसा बना हुआ है। कोमोडो ड्रैगन घात लगाकर शिकार करते हैं। यह दावा किया गया है कि इनके पास एक जहरीला दांत होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।